हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है, जिसमें फिटर टर्नर मशीनिस्ट का फुल कोर्स फ्री है। इससे पहले ये पूरा हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। यदि पढ़ना है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा, इसलिए आगे चलते हैं हम लोग। पंच किस मेटल का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कोई चीज भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तो याद रखिएगा हार्ड व टेम्पर हो जाता है, ठीक है ना। इसको मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे तो 2 नंबर पक्का मिलेगा आप लोग को, मैं बता दे रहा हूँ एक्सपीरियंस, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। पंच का साइज पूरी लंबाई व उसके व्यास से लिया जाता है। पूरी लंबाई का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई पंच है, ये पंच है, अब पंच है तो इसका व्यास ये डाया ये होगा, तो इसकी पूरी लंबाई हो गई, ये व्यास हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, मैं दूसरे वीडियो में आपका जवाब जरूर दूंगा। सेंटर पंच का प्रयोग किस लिए हम लोग करते हैं? सेंटर पंच का आखिर में प्रयोग क्या है? पूरा डिटेल में वीडियो मैंने पीछे पढ़ाया है। हाँ, वीडियो आप लोग बहुत लोग देख रहे हैं, बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए आप लोग से मुझे सब्सक्राइब का पैसा नहीं मिलता है। मैं फिर से मैं आपको बता दूँ, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जो सेंटर पंच होता है, यदि कोई जाप हमने 50x50 का बनाए, अब मान लीजिए उसको मुझे होल करना है, तो सेंटर पंच से क्या करते हैं हम लोग, हैमर और सेंटर पंच लेके हम लोग सेंटर पर उस बीच में सेंटर पर मारते हैं जहां हमें ड्रिल करना होता है। हमें लगता है 1 mm या 1.5 mm तक वो होल होता है जो हम लोग का पॉइंट बनता है, तो उस पर ड्रिल जब रखी जाती है तो वो ड्रिल मशीन इधर उधर नहीं भागती है। जो लड़का वर्कशॉप में गया होगा वो अच्छी तरह जानता होगा, और जो नहीं गया होगा आज वो जान जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 30 अंश होता है। पेपर में आपको 30 मिलेगा पक्का है। यदि 30 नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप लोग, ये याद रखिएगा। पैड कोर्सेज जो होते हैं इसमें ये बातें बताई जाती हैं, जो हम आपको दे दे रहे कोई देगा नहीं, ठीक है। 30 से 60 अंश दिया होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 30 से 60 दिया होगा। आप लोग मेरी बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। डार्ट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 60 होता है। 80% लड़के जो पढ़ते हैं वो जानते हैं 60 होता है, मगर 20% ये नहीं जानते हैं 60 से 90 भी होता है। इसलिए आप लोग को ये वीडियो डिटेल से देखनी होगी पीछे जाके, तो पता चल जाएगा मैंने डार्ट पंच का कितना साइज बताया है, व्यास बताया, चौड़ाई बताया, ठीक है। चलते हैं, एक डार्ट पंच से दूसरे डार्ट पंच की मध्य की दूरी कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिवाइज मेरे साथ कर लें। 2 नंबर कोई पेपर देने जाएंगे वहां मिलेगा आप लोग को। 3 से 5 नंबर होता है, 3 से 5 mm होता है। होता क्या है जरा देखिए, तो देखिए जैसे एक मैंने डॉट पंच का निशान दिया, दूसरा दिया, तीसरा डॉट पंच लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया। अब उसके मध्य की बात, मतलब इसके मध्य हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चाहे इसके मध्य में ले लीजिए चाहे इसके मध्य में लगा, 3 से 5 होता है, ठीक है ना। 3 से 5 की दूरी होती है, मगर 3 से 5 तो मान लीजिए किताबों में मिल सकता है। यदि 3 से 5 नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन नोट करिए, DMRC में आ चुका है ये क्वेश्चन। 2.5 mm आपको पेपर में जरूर मिलेगा, ये बात मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बिना पैड कोर्स में नहीं कोई बताएगा जो मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सॉलिड पंच का प्रयोग शीट मेटल में सुराख करने के लिए किया जाता है, इसको मैं पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हूँ। होलो पंच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है इसमें, दे देगा होलो पंच का प्रयोग, दे देगा ऑप्शन में चमड़े की सीट, पक्का ही रखेगा, और नहीं रखेगा तो ये रखेगा गत्ते में सुराख करने के लिए, ये दो ही रखता है। लेदर तो लेदर और चमड़े यही बात होता है, मान लीजिए लेदर रख दे चाहे चमड़े रख दे, ठीक है। बेल पंच का प्रयोग गोल राड में सेंटर निकालने व मार्किंग करने के लिए, एकदम सटीक आंसर यही, इसके सिवा उसमें कोई क्वेश्चन बन ही नहीं पाता है, ठीक है ना। कि मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर पंच का प्रयोग यदि वर्कशॉप में आप लोग जाप बनाए होंगे तो अच्छी तरह जानते होंगे कि हम लोग को जो सर होते थे जाप बनाने के बाद वो नंबर वाले पंच देते थे, उससे हम लोग पंच करते देते। देखिए जैसे मेरा 15 नंबर है तो 1 और 5 मिलता था, उससे पंच कर देते तो उससे पता चल जाता था कि ये अमित सर का
पंच ये जाप है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया भी है नंबर पंच का प्रयोग जाप पर नंबर डालने के लिए। ये क्वेश्चन सब कोई आंसर मार के चलाएगा, मगर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जो लड़का वर्कशॉप में फिटर मशीनिस्ट टर्नर का नहीं गया होगा, कम से कम उसको पता चल जाए, ठीक है। ये हो गया किसी जाप का केंद्र का निशान गहरा करने के लिए। मैंने पीछे ये बात बता दी, सबसे पहले क्वेश्चन पर यही बता दिया, सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आ जाए ड्रिप पंच का प्रयोग पतली चादरों में होल करने के लिए, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, ड्रिप्ट पंच। देखिए इसको याद करने का हम क्या होता है, एक टेक्निकल बात बताते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल है ना, तो कुछ तो अंदर टेक्निकल होना चाहिए। ड्रिप्ट इसको पो मान लीजिए आप लोग, कुछ पॉइंट बनाना पड़ता था पतली चादरों में होल करने के लिए। पतली दे दे तो भी ठीक और सॉफ्ट दे दे तो भी ठीक, दोनों मार के निकल आएगा, क्योंकि पतली हो तो सॉफ्ट होगी होगी, तो अब दोनों मार के चले आएगा, एक ही चीज देगा इसमें, कि तो पतली देगा कि तो आपको सॉफ्ट देगा। जाप पर की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डार्ट पंच का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, डार्ट पंच के पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। याद रखिएगा, जितना हमको जिस पंच का प्रयोग करना है और जितना वर्क लेना है, उतने ही पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, ठीक है ना। पंच का आकार कैसा होता है, 80% पेपर में यही पूछा जाता है, अष्टभुजाकार। हम बता रहे हैं, मैंने पेपर दिया होगा 20 तो उसमें ये क्वेश्चन अष्टभुजाकार होता है, एकदम सॉलिड क्वेश्चन है। स्क्राइबर का ISI के अनुसार इसका साइज कितना होता है, तो देखिए 150 mm से 200 mm, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी कम से कम इसके जितने चैप्टर बचे हैं मुझे 50-60 दिन में पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने ये वादा किया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ट्राई स्क्वायर का साइज 100 mm से 300 mm होता है, ठीक है। सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं गोल जाप का सेंटर निकालने के लिए। अभी मैंने पढ़ाया तुरंत आपको और एकदम अच्छी तरह डिटेल में समझाया है, ठीक है ना। स्क्वायर हेड का मटेरियल कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है, ये भी डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। डिक्स पर कितने डिग्री का कोण बना होता है, 0 से सबसे ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, तुरंत उठा के पूछ लेगा 0 से 180। किस भाग पर डिक्स लगी रहती है, तो प्रोटेक्टेड हेड पर लगी होती है। मैंने एक एक चीज आपको ये बता दिया है, ठीक है। स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कह दिया है कि ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने इसको लाल से लिखा है। जाप की गहराई मापने व चेक करने के लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट का साइज रूल वाय ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, ठीक है ना। यदि कुछ भी ना समझ के आए आप लोग कमेंट मुझे जरूर करिएगा, और दूसरी बात सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे तो वीडियो हम फिर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। आप लोग से मैं ये बात स्पष्ट कर दें, प्रोटेक्टर हेड में स्प्रिट लेवल जुड़ा रहता है। देखिए ये है ना, मैंने ये क्वेश्चन बताया ना, प्रोटेक्टर हेड। सर आप लोग से बता दे रहे हैं कि आप लोग बहुत सालों तक पढ़ेंगे और ये पता नहीं लगा पाएंगे कि प्रोटेक्टर हेड में स्प्रिट लेवल जुड़ा रहता है, इसलिए जो मैं दे रहा हूँ पैड में लोग देते हैं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सरफेस प्लेट का आकार कैसा होता है, ठीक है ना, ये जान जाइए, आयताकार व वर्गाकार होता है, ठीक है। सरफेस प्लेट की परिशुद्धता देखिए वर्कशॉप में 0.025, मैंने 0 क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने याद किया 0.025, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस प्लेट की परिशुद्धता इन्फेक्शन में हो जाएगा 0.0025 mm, ठीक है। अगले आते हैं, सरफेस प्लेट की परिशुद्धता मास्टर में आ जाइए, तो 0.00025 mm। सर हमने ये जितना पढ़ाया इसको आप लोग बस मेरे साथ आप लोग वीडियो देख लेंगे ना, तो रिवीजन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर नोट्स बनाएंगे तो आप लोग पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।